नैनीताल जिले के हल्द्वानी रामनगर देहरादून स्टेट हाईवे में कालाढूंगी चकलुआ के पास बरसाती नाले के तेज बहाव के कारण 31 जुलाई को पुल बह गया था। अब इस नाले पर दिन रात वैली ब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है। नाले के दोनों ओर सैकड़ों यात्रियों को पैदल चलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश पुल के निर्माण में बाधा बन गई है। विभागीय अधिकारी 8 से 10 दिन के भीतर वैली ब्रिज का कार्य पूरा होने की संभावना जता रहे हैं, तभी यातायात सुचारू हो पाएगा। शासन प्रशासन और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी और कालाढूंगी थाना पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। कालाढूंगी से मुकेश शिमवाल की रिपोर्ट। देखिए, जो हमारा विद्रामपुर में जो पुलिया का निर्माण हो रहा है, वैली ब्रिज जो हमारा बन रहा है, उसमें लगभग अभी एक हफ्ते का समय और लग सकता है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और बारिश से कार्य में थोड़ा बाधा भी हो रही है। तो एक हफ्ते का हम लोग मान के चल रहे हैं कि सुचारू हो जाएगा और लोगों का उसमें आवागमन शुरू हो जाएगा।